नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में दैट्स इंग्लिश फॉर एवरीवन। और आज हम बात करेंगे एक्ट 3 सीन 1। सो एक्ट 3 सीन 1 में हम देखते हैं जो कमेंटेटर्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो स्टोरी टेलर्स हैं इस पूरे ड्रामा में, सेलेनियो सेलेनियो बात करते हैं। सेलेनियो पूछता है सेलेनियो से कि रियाल्टो में कुछ न्यूज़ सुना तुमने? रियाल्टो वो जगह है जहाँ पर मर्चेंट्स मोस्टली डू कॉन्ग्रिएट, ये इस टेक्स्ट में लिखा गया है। मोस्टली डू कॉन्ग्रेट मतलब रियाल्टो वो जगह है जहाँ पर मर्चेंट्स लोग ज़्यादातर वहीं रहते हैं, वहीं पर बिजनेस की बातें करते रहते हैं। तो फिर वहीं पर करते हैं, तो वो उस जगह को कहते हैं रियाल्टो। तो अभी सेलेनियो पूछ रहा है कि भाई रियाल्टो से कोई न्यूज़ है मास्टर सेलेनियो? तो सेलेनियो ने कहा कि अभी तो एक ही चर्चा हो रही है एंटोनियो का शिपरेक के बारे में, जो कि एक वेमेन ने कहा मुझे, जैसा कि एक ऑनेस्ट वेमेन ने मुझे कहा। अब यहाँ पर एक रेफरेंस है, सेलेनियो विश कर रहा है कि वो जो वेमेन हो, पहले हम रेफरेंस की ओर बढ़ते हैं। एक औरत है, एक वेमेन है, यहाँ पर जिंजर, यहाँ पर कुछ जिंजर करके कहा, हाँ जिंजर, और मेड गॉसिप इन दैट एज एवर नैप्ड जिंजर। मतलब ये एक एलिजाबेथन बिलीफ है कि एक वेमेन जो जिंजर खाती है और वो रोती है अपना तीसरा हस्बैंड के डेथ में, असल में वो फॉल्स टीयर्स होता है, वो असल में रोती नहीं है, वो तो खुशी मनाती है उसके फोर्थ हस्बैंड का न्यूज़ से कि अब मैं चौथा शादी कर सकूं। तो वही यहाँ पर कहा गया है, सरनियो कह रहा है कि हाँ भगवान करें ये जो वुमेन है, ये जो ऑनेस्ट वीमेन है, ये भी उस जिंजर ईटिंग वीमेन की तरह हो, ताकि ये जो न्यूज़ मिला है हमें शिप रेक के बारे में एंटोनियो का, वो गलत हो। फिर सैरिनो बोलता है कि अरे देखो शाइलॉक आ रहा है, तो पहले कि डेविल आ जाए, डेविल हमारे प्रेयर को क्रॉस कर जाए, हमें आमेन कह देना चाहिए, नहीं तो फिर उसमें नज़र लग जाएगी। ये भी एक एलिजाबेथन बिलीफ है कि अगर आप प्रेयर कर रहे हो और अगर कोई डेविल आपको ऐसे क्रिस क्रॉस कर दे, जैसे मैकबेथ में हुआ था, तो ऐसे ही क्रिस क्रॉस कर दे, तो आपका जो प्रेयर है वो पूरा नहीं होता है। इसीलिए सेलेनियो बोल रहा है कि पहले ही आमेन बोल दो, ताकि ये प्रेयर हमारा पूरा हो जाए। उसके बाद है शैलॉक, शैलॉक एंटर करता है, सैरनो सेलेनियो शाइलॉक से बात करते हैं। पर शाइलॉक यहाँ पर एक देखने वाली बात, यहाँ पर हाल चाल पूछते हैं सैरनो सेलेनियो, यहाँ पर एक देखने वाली बात है कि शाइलॉक जो है वो एक चीज थोपता है सैरनो सेलेनियो के ऊपर। वो कहता है शाइलॉक कि सैरनो सेलेनियो, तुम्हें पता था कि मेरी बेटी जेसिका एलोप करेगी? तुमसे ज़्यादा किसी को और नहीं पता था, तुम्हें ये बात पता थी। बस सेलेनियो सेलेनियो इस बात से नकार रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सेलेनियो और सेलेनियो पॉइंट में आते हैं। वो बोलते हैं शैलॉक से, अरे शैलॉक, तुमने कहीं कुछ सुना शिपरेक के बारे में एंटोनियो का? तो फिर शैलॉक ने कहा, हाँ हाँ शिपरेक, गुड न्यूज़ शिपरेक। और हमको शैलॉक बोल रहा है कि हमको लगता है अब एंटोनियो को अपने बॉन्ड के ऊपर देखना चाहिए। तो अभी सेलेनियो सेलेनियो बोलते हैं कि हाँ वो तो एक मैरी बॉन्ड था ना शैलॉक, तुम तो कुछ नहीं करोगे शायद, तुम्हें क्या मिलेगा एक मैंस फ्लैश लेके? फिर एक यूनिवर्सल स्पीच चालू होता है। ये स्पीच शैलॉक देता है, ये यूनिवर्सल इसीलिए है क्योंकि ये हम सभी से एप्लीकेबल है, हम सवा सब के रिलीजन, हम सभी के कास्ट से एप्लीकेबल है, इट्स अप्रोप्रिएट फॉर एवरी कास्ट एंड रिलीजन, इसीलिए इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल स्पीच। फिर शैलॉक कहता है, क्यों मैं उस ह्यूमन्स फ्लैश से मछली पकड़ूंगा? अगर वो कुछ फीड नहीं करेगा, अगर कोई उसे खा नहीं सकता, या फिर मैं उसे खा नहीं सकता, तो मैं रेवेंज उसको खाएगा, इट विल फीड माई रेवेंज, मुझे शांति मिलेगी, इट विल फीड माई रेवेंज, नथिंग एल्स। तो फिर उसके बाद शैलॉक बोलता है कि तुम क्रिश्चियंस मुझे प्रिक करते हो, क्या हमें दर्द नहीं होता?
तुम क्रिश्चियंस अगर मुझे टिकल करोगे तो क्या मैं हंसूंगा नहीं, या फिर मैं ही तुम्हें टिकल करूंगा तो तुम हंसोगे नहीं? अगर तुमने कोई खराब काम किया हो या फिर हमने कोई खराब काम किया है तो फिर तुम हमसे रिवेंज नहीं लोगे? एक चीज बोलूं, मैंने तुम क्रिश्चियन से ही सीखा है रिवेंज लेना, इसलिए आज मैं तुमसे रिवेंज ले रहा हूँ। तो आप सभी के दिल ये माइंड में आता ही होगा कि भाई ये यूनिवर्सल स्पीच कैसे है, प्रूव कीजिए। सोचो, आई एम एनी कास्ट, आई एम कास्ट ए, आई एम कास्ट बी, मैं यहाँ पर गिल्टी हूँ, मैंने भी ऐसा ही काम किया है, कुछ ख़राब काम किया है कि एंटोनियो का फ्लैश मैं भी काटूँगा। सोचो तो फिर मैं जो ये कास्ट बी है उसे मैं बोल सकता हूँ कि तुमने जब कुछ ख़राब काम किए हो या फिर तुम जब मुझे टिकल करोगे तो फिर मैं लाफ करूँगा, जब मैं तुम्हें टिकल करूँगा तुम लाफ करोगे, मैं प्रिक करूँगा तो फिर तुमको भी दर्द होगा, अगर मैं पॉइजन करूँगा तुम भी डाई करोगे, और अगर मैं कोई ख़राब काम करूँगा तो तुम रेवेंज लोगे कि नहीं? तो वैसे ही दिस इज़ अ यूनिवर्सल स्पीच और ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, हम लोग कभी भी कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद सेलेनियो, सेलेनियो देखता है कि ट्यूबल आ रहे हैं, ट्यूबल एक हिब्रू कास्ट ने हिब्रू ट्राइब का था, शाइलोक का ही कास्ट, शाइलोक का ही रिलीजन था, ज्यू था और हिब्रू ट्राइब का था। तो फिर सेलेनियो, सेलेनियो कहते हैं ये देखो और एक डेविल आ रहा है, अब तीसरा डेविल के लिए स्वयं नर्क से डेविल को आना पड़ेगा, मतलब पहला डेविल है शाइलोक, दूसरा डेविल है ट्यूबल, और अगर तुम्हें तीसरा डेविल चाहिए तो सीधा नर्क से तुम्हें डेविल लाना पड़ेगा, तभी एप्रोप्रिएट होगा ये जो शाइलोक के खराब डीड्स है और ट्यूबल के खराब डीड्स है वो डेविल के साथ एप्रोप्रिएटली मैच करेंगे। उसके बाद जब सेलेनियो सेलेनियो सेलेरिनो और सेलेनियो चल जाते हैं, एक सर्वेंट उन्हें बुलाने आता है तो वो लोग तब चल जाते हैं, फिर शालक पूछता है ट्यूबल से और क्या बात है, बोलो क्या हुआ, तुमने क्या मेरी बेटी जेसिका को देखा? तो उसके बाद उन पे बातें चलती रहती है। जो पेज नंबर है 85 इन मॉर्निंग स्टार, पेज नंबर 85 एंड पेज नंबर 86, मतलब लाइन नंबर्स 102, 101 से लेकर लाइन नंबर 135, ये है, ये दोनों पेज जो है ये किंकिंग पेज है। किंकिंग पेज मतलब दो तरफ से, मीन्स आपने एक रोप को देखा होगा कैसे दोनों तरफ से दो रस्सियां जाते तभी एक टाइट रोप बन पाता है, तो ये भी एक किंकिंग पेज है। मैं प्रूफ करूंगा कैसे। ट्यूबन बोलता है शैलॉक को कि तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, एंटो इल्लक इल्लक एंटोनियो का जो शिप है वो रैक हो चुका है, मैंने वो जो मर्चेंट्स आ रहे थे आफ्टर द शिप रैक उनसे पता किया है। ट्यूबेल ने कहा, साइलोक ने कहा वाह ये तो बहुत ही अच्छा है, मैंने ये बात गेनुआ में सुना। ट्यूबल ने कहा कि मैंने ये बात गेनुआ में सुना। शाइलोक ने फिर कहा और क्या सुना गेनुआ में? तो दिस हैंड इज फॉर एंटोनियो, ये एंटोनियो की इल लक है, मतलब शाइलोक का गुड लक है। और ट्यूबल ने क्या सुना गेनुआ में? ट्यूबल ने ये सुना कि उसकी बेटी नरिसा ने 4 स्कोर ड्यूकेट्स, 1 स्कोर इज इक्वल टू 20, मतलब 4 स्कोर, मतलब 4 2 जै 8, 80 ड्यूकेट्स 1 नाइट में स्पेंड किया है, मतलब इट्स अ इल लक टू शाइलोक, क्योंकि ये उन उसका ड्यूकेट्स ड्यूकेट्स वर्थलेस चीज के लिए यूज हो रहा है, तो इसीलिए शाइलोक को बुरा लग रहा है, पर शाइलोक को अच्छा लग रहा है एंटोनियो के वजह से। तो दिस हैंड इज फॉर शाइलोक्स लक एंड दिस इज फॉर शाइलोक्स इल लक, दिस इज जेसिका, दिस इज फॉर एंटोनियो। तो ये एक क्रॉस हो गया। अब ट्यूबल एंटोनियो के बारे में बोल रहा है, उसके बाद एंटोनियो के बारे में बोल रहा है कि इस ये जो एंटोनियो है ये पक्का न्यूज़ है कि उसका शिप रैक हो चुका है
और ये सब बात मैंने एक जो मर्चेंट्स हैं उनसे पता की। तो फिर एंटोनियो का जो ये हैंड, ये एक और किंग कर रहा है, मीन्स इट गोज लाइक दिस। फिर ट्यूबल बोल रहा है जेसिका के बारे में, ट्यूबल जेसिका के बारे में बोल रहा है कि उसने आपका वैल्यूएबल जो टर्क्विस रिंग है उससे उसके बदले एक मंकी खरीदा। तो यहाँ पर और एक किंक हो रहा है, मीन्स इट्स गोइंग लाइक अ रोग। पहले लक के बारे में बात करता है ट्यूबल, एंटोनियो का शिप रैक, उसके बाद वो जेसिका के बारे में बात करता है, उसके बाद फिर से एंटोनियो के बारे में बात करता है, उसके बाद फिर से जेसिका के बारे में बात करता है, और फिर लास्ट में शाइलॉक बोलता है ठीक है जाओ तुम ट्यूबल, जाओ कोई लॉयर को खोजो और फिर इस ये जो बॉन्ड है उसके सामने रखो ठीक है। शाइलॉक बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, अकॉर्डिंग टू दिस ड्रामा शाइलॉक बहुत ही मतलब समझदार आदमी था। उसने सिनेगॉग मतलब जहाँ पर ज्यू जहाँ प्रेयर करने जाते हैं उसको सिनेगॉग कहते हैं। आप लोगों का बहुत खराब कॉन्सेप्ट है कि ज्यू एंड क्रिश्चियन गो टू चर्च, नहीं ज्यू जाते हैं सिनेगॉग। तो जो ज्यू है शाइलॉक है उसने सिनेगॉग में पहले ही ओथ ले लिया है, इसीलिए वो एक्ट 4 में इसके वो बोल पाता है कि मैंने ओथ ले लिया है अपने सिनेगॉग में अपने भगवान के पास, और इसीलिए यही कारण है मैं एंटोनियो पर मर्सी नहीं दिखा सकता। पर ऐसा बात नहीं है, वो चाहता था कि एंटोनियो मरे, पर ड्यूक के सामने कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कोई तो कारण होना चाहिए कि मर्सी नहीं दिखा रहा है। तो उसने इसीलिए सिनेगॉग में पहले ही ओथ ले लिया कि मैं ये एंटोनियो को नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद शाइलॉक ने ट्यूबल को कहा कि तुम सिनेगॉग में मिलो, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ और एक ओथ लूँगा। सो एक्ट 3 सीन 1 वॉज नॉट सो हार्ड, और मैंने इसे हिंदी में समझा दिया है। अगर आप कोई और प्रॉब्लम है यू कैन जस्ट कम इन। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।